नौजवान पागलों की अवस्था के बिल्कुल अलफ नंगा गुरुद्वारा साहब के अंदर आवड़े हैं और असं इन्हू कहने कोई कपड़ा पा जा बाहर निकल दो अगों हथों पाई पै गए मार कटाई करन नू फिरदा पिया ते ए सारे कबीर मंदिर के कोलों सारा महला इकट्ठा हो गया है। बीबिया लेडीज़ ये लेडीज़ घर के कलिया सन तो जो ये जा बड़िया और इन्हें बहुत ही अश्लील हरकत कीतियां लेडीज़ नाल लड़कियों नाल और बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल उन्हें किया। बस्ती शेख इलाके स्थित गुरु घर तो एक वड्डी कबर सामने आ रही है जिथे बंदा नग्न हालत में गुरु घर दाखिल हो गया। गुरु घर च लगे सीसीटीवी कैमरे दियां ओ वीडियो असीं उन्हें सीधी विखा रहे हैं कि किस तरह यह बंदा नगन हालत में गुरु घर दाखिल हो गया तो अजीबो गरीब हरकत करन लग पिया। मौके पर मौजूद सेवादारा वालों तुरंत इसनों काबू कर लिया गया पर इस बंदे वालों सेवादारा धक्को मुक्की करन की कोशिश की गई जिस तो बाद सेवादारा वालों पहला तो इसकी कुटमार की गई फिर पुलिस बुला के इस बंदे नूं उन्हां दे हवाले कर दिता गया। अपने कारोबार कमाकारा की संगत अपने घर चली गई है तो नाल ही मेरी फैक्ट्री गुरद्वारा साहब के सामने है तो मैं अंदरों सेवादार तो भाई साहब का फोन आया कि एक नौजवान पागलों की अवस्था के बिल्कुल अलफ नंगा गुरद्वारा साहब के अंदर आवड़े हैं और असं इन्हू कहने कोई कपड़ा पा जा बाहर निकल दो अगों हथों पाई पै गए मार कटाई करन नू फिरदा पिया तो मैं आके कहा उन्होंने बड़े प्यार नाल कि मैं कहा दिमाग की अवस्था ठीक नहीं तो असी इनू यह गल कही कि तू इनू एक चादर दो पाती जाए तो मैं क्या तू आ जा बार आराम आप तेन छा अगों मेरे हाथी पै गया अगों दो चार बंदे महल के जिदा साढ़े नाल मनमोहन सिंह जी ने अपना लाडी जी ने सारे महल वाले जे कट्ठे हुए आवाज़ सुन के सारा पसंद मारे अभी फिर सारे ने कट्ठे होकर उन्होंने काबू करके फिर उन्होंने बन्नया तो इन्हें पुलिस आ गई और पुलिस ने आके उन्होंने काबू किया। सानू आ महला सारा महला तेलिया का ये किधरे वसनीक सी ते सारे कबीर मंदिर के कोलों सारा महला इकट्ठा हो गया है। बीबिया लेडीज़ ये लेडीज़ घर के कलिया सन तो जो ये जा बड़िया और इन्हें बहुत ही अश्लील हरकत कीतियां लेडीज़ नाल लड़कियों नाल और बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल उन्हें किया जितों अगे भी यह कहें अभी कई बार पुलिस को सद के इन पकड़ा चुके हैं पर पुलिस हर वारी इनू छड़ दिंदी है। कित्थे दा रहण वाला बंदा यह रहने वाला जी आ बस्ती शेख तेलिया महला कबीर मंदिर के कोल इहदा नाम काका जी ते अग्गे कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस ने कीती नहीं कार्रवाई अग्गे ओह महल्ले वाले दस रहे ने लेडीज़ के दसण के मुताबिक भी असीं हर वारी पुलिस नूं देने आ पर यह हर वारी जिहड़ा यह मुठ्ठू वापस आ जांदा हुण असीं इकट्ठे हो के सारे थाना डिवीजन पंज दे विच जा रहे हैं उत्थे जाके लिखती शिकायत देंगे ता जो इहो जिहे पागल का इहो जिहे जिहड़ा दिमाग का खराब व्यक्ति है वह कोई पक्का प्रबंध हो सके क्योंकि जवान है तगड़ा ये कभी भी किसी का जानी नुकसान कर सकता और परम पिता परमात्मा के असी धनवादी हाँ कि गुरद्वारा साहब के अंदर कोई किसी तरह की छेड़छाड़ महाराज के सरूपा नाल नहीं हुई नहीं तो इतने का सारा सारा माहौल ही बदल जाना सी जे सानू पता ना लगता फिर खरे किन्नी कु आपस के गरमाहट आनी सी। की नाम अपना? मेरा नाम कुलवंत सिंह निहंग है जी और मैं गुरद्वारा साहब का प्रधान हाँ। ठीक है भाई मामला की है सारा की मुंडा के रख किथे घूम रहा तुगा की नाम की मुंडे बंदे दा की कार्रवाई की कर रहे हो अजे तो लाके चले वेरिफिकेशन करते की कहंदे कहंदे अभी मिनट ले शहर केड़ा एरिया पेंदा आ तेलिया मल्ला जी वाइट जो अपना वाइट हां तेलिया मामा ओ एक मानसिक रोगी सी जेड़ा गुरुद्वारा साहब दे विच एंटर कर गया सी ते ओ लोकां ने पुलिस नु कंप्लेंट कीती सी उन्होंने असी लेता ते उन्हू अगे पिंगलवाड़ा विखे जिहड़ा दाखल कराने वास्ते पेपर तैयार हो रहे ने पिंगलवाड़ा पेपर तैयार हो रहे ने
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।